तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। हमें उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंडियन गवर्नमेंट के नए नॉर्म्स के तहत 1 अप्रैल 2023 से सभी कंपनियां इंडियन मार्केट में, जितनी कंपनियां हैं सभी कंपनियों का जो इंजन है ना, अपडेट हो चुका है। तो आज हमारे पास है 2023 की लेटेस्ट मॉडल होंडा की यूनिकॉर्न 160 सीसी का BS7 मॉडल। तो दोस्तों, इसमें आपको नए मॉडल में यूनिकॉर्न 160 सीसी में बहुत सारे नए अपडेट देखने को मिलते हैं, बहुत सारे नए बदलाव देखने को मिलते हैं। नए नॉर्म्स के तहत इंडियन गवर्नमेंट जो कंपनियों को, तो उन्हीं सारे नए नए बदलाव के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और साथ ही साथ इसकी जो प्राइस है ना, वो भी पहले से चेंज हो चुकी है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि होंडा यूनिकॉर्न एक ऐसी बाइक है जो कि 160 सीसी की बाइक होने के बावजूद भी कम्यूटर लगती है देखने में, लेकिन इसके जो लवर है ना, वो भी बहुत ज्यादा लोग हैं। तो जिन्हें सिंपल लुक की बाइक पसंद है ना, वो इस बाइक को ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो अगर आप लोग इस बाइक को लेने वाले या फिर लेने के प्लान करें, तो आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं बिंग टेक्नो। दोस्तों, वीडियो चले गए मेहनत चले गए तो प्लीज अपने तरफ से एक लाइक जरूर दीजिएगा। और चैनल आप नए अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बगल में पड़े बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आप आगे वीडियो को मिस न कर सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसके लुक के बारे में, तो इसमें आपको 3 कलर पहले मिलते थे, अभी भी आपको वही 3 कलर मिलते हैं। लेकिन अभी आप जो स्क्रीन पे कलर देख रहे हैं, ये इसका मैट एक्सेस ग्रे कलर है, जिसमें आपको ग्रे कलर में पूरी बाइक देखने को मिलती है। और इसका जो पहला अपडेट देखने को मिलता है कि अब इसकी जो प्राइस है ना, पहले से बढ़ चुकी है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसके एक्सट्रीम प्राइस के बारे में, तो इसका जो एक्सट्रीम प्राइस निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है 1,05,995 रुपए एक्स शोरूम यूपी वाराणसी की प्राइस। तो दोस्तों, ये तो इस बाइक की प्राइस की बात। अब बात करते हैं इसके लुक के बारे में। तो आपको बता दें कि यूनिकॉर्न एक ऐसी बाइक है जिसे जब से इंडिया मार्केट में लॉन्च किया गया है होंडा की तरफ से, तब से इसमें आपको लुक में लेके कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि जो यूनिकॉर्न के जो लवर है ना, उनको यही सिंपल लुक ज्यादा पसंद है। तो लुक्स वाइज में आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा 2023 में भी। और अगर हम बात करते हैं इसके फ्रंट से, तो यहाँ पे देखिए इसका जो फ्रंट सस्पेंशन मिलता है ना, वही सेम आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाती है। और यहाँ पे देखिए ईबीएस की बैचिंग मिल जाती है। और इसका जो फ्रंट ब्रेक मिलता है, वॉक मिलता है, डिस्क ब्रेक का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जिसकी साइज है 240 mm का। डिस्क ब्रेक के बीच में देखिए ईबीएस का चैन लगाया गया। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इसमें पहले भी आपको सिंगल चैनल ईबीएस मिलता था, अभी भी आपको सिंगल चैनल ईबीएस मिलेगा। और यहाँ पे देखिए इसका जो फ्रंट टायर मिलेगा, वॉक मिलता है 80/100 का, 18 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाती है अलावेल के साथ। तो दोस्तों, इसके फ्रंट प्रोफाइल में आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलती है। और अगर हम बात करते इसके फ्रंट से लुक के बारे में, तो इसका जो साइड इंडिकेटर मिलता है ना, वही सेम मिलती है। और यहाँ पे देखिए इसके फ्रंट वाइजर और इसके हेडलाइट के बीच में आप देख सकते हैं क्रोम की फिनिश मिलती है, क्रोम बॉडी मिलती है, जो कि इसके लुक को और ज्यादा प्रीमियम बनाती है। लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ड्रॉबैक लगा 2023 में भी, कि यूनिकॉर्न 160 सीसी की बाइक है होंडा की, लेकिन होंडा SP 125 सीसी की बाइक में भी LED हेडलाइट देता है, लेकिन इसमें अभी भी आपको हाइलोजन बल्ब देखने को मिलती है। लेकिन अगर इसमें LED हेडलाइट मिल जाती तो ये और ज्यादा बेहतरीन हो जाती। तो आप लोग बताना कि आप लोग चाहते हैं कि LED हेडलाइट मिलना चाहिए सभी बाइकों में, या फिर हाइलोजन बल्ब भी ज्यादा अच्छा है, आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर हम बात करते हैं इसके साइड से लुक के बारे में, तो साइड लुक वही सेम मिलता है। और अगर हम बात करते हैं इसके हैंडल बार के बारे में, तो यहाँ पे आप लोग गौर करेंगे तो लेफ्ट हैंडल बार पे वही आपको स्विचेस मिल जाते हैं, स्विचेस क्वालिटी जो मिलते हैं वही सेम मिलते हैं, इसमें आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता। और अगर हम बात करते हैं इसके साइड मिरर के बारे में, तो इसके बॉडी कलर में आपको साइड मिरर मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा लगता है देखने में। और अगर हम बात करते हैं इसके मीटर कंसोल के बारे में, तो दोस्तों इसका जो मीटर कंसोल है ना, वो ज्यादा मुझे नहीं पसंद आता है, क्योंकि आपको एक बात क्लियर कर दें कि इसमें अभी एनालॉग मीटर कंसोल ही मिलता है, ना तो सेमी डिस्टेमीटर कंसोल मिलती है, ना डिस्टेमीटर कंसोल मिलती है। होंडा की जो SP125 आती है ना, उसमें भी डिस्टेमीटर कंसोल दे दिया गया है होंडा की तरफ से, लेकिन इसमें 160 सीसी की बाइक है, लेकिन इसमें सेमी डिस्टेमीटर कंसोल भी नहीं दिया गया है। राइट हैंडल बार पर देखिए इंजन के नीचे आपको सेल्फ स्टार्ट का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। और अगर हम बात करते हैं इसके फ्यूल टैंक के बारे में, तो इसकी जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है ना, वही सेम आपको 13 लीटर की देखने मिलती है, जो कि काफी अच्छी बात है। और इसका जो फ्यूल टैंक मिलता है ना, आपको मैट फिनिश के साथ मिलती है। और यहाँ पे देखिए इसका जो सीट मिलता है ना, वो आपको काफी अच्छी सीट देखने मिलती है। तो आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि 160 सीसी की स्पोर्ट बाइक भले ही है, लेकिन इसमें आपको जो लुक मिलता है, जो इसकी जो राइडिंग कंफर्ट मिलती है ना, आपको कम्यूटर बाइक वाली मिलती है। और यहाँ पे देखिए फ्यूल टैंक के दोनों साइड में देखते हैं होंडा का 3D एम्बल लोगो देखने को मिलता है क्रोम के फिनिश के साथ। तो दोस्तों, इस एम्बल लोगो के साथ ना, इसकी वजह से लुक है ना, और ज्यादा बेहतरीन हो जाती है। और अगर हम बात करते हैं इसके थोड़े से इंजन के बारे में, तो साइड में आप देखिए क्रोम की फिनिश मिल जाती है, मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाता है इस बाइक में, जो कि काफी अच्छी बात है। और आपको बता दें कि ये इंडिया की पहली बाइक है जिसमें आपको मोनोशॉक सस्पेंशन को इंट्रोड्यूस किया गया था। और अगर हम बात करते हैं इसके इंजन के बारे में, तो अब इसका जो इंजन है ना, पहले BS6 इंजन मिलता था, लेकिन अब इसमें आपको जो इंजन मिलेगा ना, वो आपको मिलता है BS6 फेज 2 इंजन देखने को मिल रही है, जिसे हम लोग BS7 भी बोल सकते हैं। इसका जो इंजन मिलेगा ना, वो आपको मिलता है 162.7 cc का 4 स्ट्रोक SI BS7 इंजन देखने को मिल रही है। इसका जो मैक्स पावर है, वही सेम आपको 9.5 kW का 7500 rpm मिल जाता है। इसका जो मैक्स टॉर्क मिलेगा, वो आपको मिलता है 14 Nm का 5500 rpm पे। FI सिस्टम मिल जाता है, 5 स्पीड गियर बॉक्स देखने मिल जाती है। और आपको बता दें कि अब इसमें आपको
आपको ओवीडी 2 सेंसर देखने मिल जाती है, जो कि 2023 का सबसे बड़ा अपडेट किया गया है 2023 के लगभग सभी बाइकों में। तो दोस्तों अब इसमें भी आपको ओवीडी 2 सेंसर मिल जाता है और साथ ही साथ E20 टेक्नोलॉजी देखने मिल जाती है, यानी कि इथेनॉल 20 का फीचर देखने को मिल रहा है, जिसमें 80% पेट्रोल यूज होगा, 20% इथेनॉल यूज करेगी। तो दोस्तों जो E20 वाला पेट्रोल आएगा ना, नॉर्मल पेट्रोल से थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए पिलियन फुटेज, लेडी फुटेज भी आपको देखने मिल जाती है, तो आपकी जो घर की लेडीज है ना, वो भी इस बाइक पर कंफर्टेबली राइड कर सकती है। साइड पैनल पर देखिए यूनिकॉर्न की बैचिंग देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे देखिए लेडी फुटेज लगाने की जगह दी गई है। तो ये जो बाइक है ना, एक टॉपर के 160cc में कम्यूटर बाइक दिया गया है होंडा की तरफ, जो कि यूनिकॉर्न के लवर को काफी पसंद आता है। और अगर हम बात करते हैं इसके रियर प्रोफाइल के बारे में, तो यहाँ पे देखिए इसका जो रियर से लुक है ना, वही सेम मिलता है। इसका जो रियर टेल लाइट मिलता है ना, वही सेम आपको सिग्नेचर टाइप का टेल लाइट देखने को मिल जाती है। इसमें आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। साइड इंडिकेटर भी वही सेम मिलता है, जो कि आपको एलईडी इंडिकेटर देखने को नहीं मिलता। और अगर हम बात करते हैं इसके दूसरे साइड से, तो यहाँ पे देखिए दूसरे साइड प्रोफाइल में देखिए यूनिकॉर्न की बैचिंग मिल जाती है। और अगर हम बात करते हैं इसके एग्जॉस्ट के बारे में, तो एग्जॉस्ट जो है ना, वो भी आपको काफी अच्छा लगता है देखने में। इसमें देख सकते हैं बॉडी कलर में आपको एग्जॉस्ट मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी बात है। और अगर हम बात करते हैं इसके रियर ब्रेक के बारे में, तो इसका जो रियर ब्रेक है ना, वो आपको मिलता है ड्रम ब्रेक का सपोर्ट मिलता है, जिसकी साइज 130mm का। और यहाँ पे देखिए इसका जो रियर टायर है, वो आपको मिलता है 100/90 का 18 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने मिलती है अलॉय व्हील के साथ। और इसका जो रियर सस्पेंशन मिलता है, वॉक मिलता है हाइड्रोलिक टाइप का मोनोशॉक सस्पेंशन देखने मिल जाती है, जो कि आपको राइडिंग के टाइम पे काफी अच्छा कंफर्ट देती है। और साथ ही साथ इसमें आपको एक बात बता दें कि इसमें आपको ESP टेक्नोलॉजी देखने मिल जाती है, यानी कि इनहेंस स्मार्ट पावर देखने को मिल जाता है, जो कि आपको होंडा की लगभग सभी बाइकों में देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे देखिए इसमें आपको स्टार्टिंग के लिए किक और स्टार्ट दोनों की सुविधा देखने मिल जाती है, जो कि काफी अच्छी बात है। कैटलेटिक कन्वर्टर देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये तो इस बाइक के फीचर स्पेसिफिकेशन की बात। अब थोड़ी सी बात करते हैं इसके डायमेंशन के बारे में। तो इसका जो लेंथ मिलेगा, वॉक मिलता है 2081mm, इसकी हाइट मिलती है, वॉक मिलती है 1103mm का। इसका जो व्हील बेस है वो है 1335mm, इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, वॉक मिलती है 187mm, इसका जो कर्वेट है वो है 140kg की। फ्यूल टैंक एफटी जो है मैंने आपको बता दिया, जो कि है 13 लीटर की। तो दोस्तों ये तो इस बाइक के डायमेंशन की बात। और आपको बता दें कि इसमें आपको जो माइलेज मिलता है, वो पहले की तरह ही 45 से 50 के माइलेज ये बाइक आपको आराम से देखने को दे देती है। तो दोस्तों ये तो इस बाइक के माइलेज की बात। अब थोड़ी सी आपको हाईलाइट फीचर्स बता देते हैं, कि जो कि इसमें आपको 2023 में देखने को मिल रहे हैं नए अपडेट के साथ। तो दोस्तों पहला अपडेट की इसकी जो प्राइस है ना, पहले से बढ़ चुकी है। दूसरा, इसमें आपको E20 टेक्नोलॉजी मिल जाती है, यानी कि इथेनॉल 20 मिल जाता है। तीसरा, इसमें आपको OBD2 सेंसर मिल जाता है। चौथा, इसका जो इंजन है ना, BS6 फेज 2 इंजन देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों यही सारे चेंजेस 2023 के होंडा यूनिकॉर्न में देखने को मिलते हैं होंडा की तरफ से। बाकी जो बाइक है ना, वही सेम आपको देखने को मिल रही है। तो दोस्तों आप लोग बताना कि आप लोग को होंडा यूनिकॉर्न कैसी लगती है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप लोग 160cc की कोई बाइक लेना चाहते हैं, लेकिन आप लोग को सिंपल लुक चाहिए, तो आप लोग मेरे हिसाब से आप लोग यूनिकॉर्न 160cc के साथ जा सकते हैं, क्योंकि ये 160cc की सबसे बेस्ट डेली कम्यूटर बाइक है, जिसे आप लोग प्रेफर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी इस बाइक के फीचर स्पेसिफिकेशन, जो कि मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों अगर आप लोग कोई वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगे, तो अपनी तरफ से लाइक जरूर दीजिएगा। और अगर आप लोगों को कोई डाउट है, कोई सवाल करना है, तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। पूरी कोशिश करते हैं आप लोगों को कमेंट का रिप्लाई करने का। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए बाइक के साथ, कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहे, मुस्कुराते रहे, अपने हेल्थ के हेलमेट यूज करते रहेगा। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।